सब शुरू आरएसएस से ही होता है, ये सब नागपुर हेडक्वार्टर है आरएसएस का, और ये विदर्भ की लड़ाई नागपुर से शुरू होगी और पूरे देश में इसकी आवाज़ जाएगी। देखिए, जो विचारधारा जो हमने बताई कांग्रेस पार्टी की, विचारधारा जो जोड़ने की विचारधारा है और एक विचारधारा जो देश को तोड़ने की विचारधारा है, और ये वो लोग हैं जिन्होंने 52 साल तक भारत का झंडा, तिरंगा झंडा अपने हेडक्वार्टर पर नहीं लहराया था। ये वो ताकतें हैं जो देश को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बांटने का काम करती हैं। ये वो ताकतें हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया था लड़ाई, जो स्वतंत्रता की लड़ाई थी। ये वो ताकतें हैं जो आज भी अपने फेलियर्स को छुपाने के लिए एक ऐसा लोगों को बहकाने के मुद्दे बीच बीच में डालते रहते हैं और छद्म राष्ट्रवाद की राजनीति करते हैं। उनको एक्सपोज करने का समय है और हम इनको एक्सपोज करेंगे जनता के। जो हम पेश कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी का, वो हम अपने काम के ऊपर कर रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर कर रहे हैं। और राहुल जी जो आवाज़ उठा रहे हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी का एक मुद्दा था कि करप्शन, एंटी करप्शन का जो मुद्दा था, वो उनका जो हम रफेल का जो उनके ऊपर चेहरे के ऊपर मास्क चढ़ा हुआ है, उसे हम उतारने का काम करेंगे। और राहुल गांधी जी बखूबी रोज जो जो नए नए इश्यूज आ रहे हैं रफेल के बारे में, जो 30,000 करोड़ का एक प्राइवेट कंपनी को फायदा पहुंचाया गया, जो HAL का से ऑर्डर लेके रफेल का अनिल अंबानी को दिया गया, जो 126 जहाज की रिक्वायरमेंट थी इंडियन एयरफोर्स की, उसको कम करके 36 किया गया, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा, वो हम देश के एक एक व्यक्ति को बताना चाहते हैं और इनके चेहरे से जो छद्म जो राष्ट्रवाद का नकाब है वो उतारना चाहते हैं। कार्यकर्त्यासाठी एक कार्यशाळा संवाद कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं आणि त्यामध्ये सर्व काँग्रेस पक्षाचे लोकप्रतिनिधी, आजी माजी, नगरसेवक आणि पदाधिकारी यांच्यासाठी हा ठेवलेला कार्यक्रम होता। उद्देश असा होता की आज विरोधी पक्षातर्फे सोशल मीडियावर व इतर ठिकाणी जे काँग्रेस पक्षाबद्दल खोटा प्रचार करण्यात येते, 70 वर्षातली उपलब्धी काय आहे, ते काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकर्त्याला खरोखर आपली उपलब्धी काय आहे, आपला इतिहास काय होता आणि आपण कसे सक्षम आहोत सगळ्या गोष्टीत, विरोधी पक्षाच्या खोट्या प्रचाराला उत्तर द्यासाठी कार्यकर्ते जास्तीत जास्त सक्षम झाले पाहिजे या दृष्टीनं एक कार्यकर्त्याचं प्रशिक्षण शिबिर इथं ठेवण्यात आलेलं होतं।